ठंडा स्किन अंदर की स्विमिंग होती है, अंदर की स्विमिंग, अंदर की जो पत्ती है ना वो स्विमिंग होती है। जब भी तो एकदम हवा आती है एकदम फिर रुक जाती है, मतलब इधर चली जाती है। काट तो दिया, छोटा है वो, अंदर का भी काटना है वहां पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है नाखून का टाइम, तो अभी नाखून की कटिंग टाइम चल रहा है, तो अभी इनके नाखून काट रहे हैं। इन्हें नाश्ता कर लिया है, दूध पी लिया है, नाश्ते के नाम पर सिर्फ दूध पीती हूँ, मट्टी से खेला। चलो सर को हटो, सर को चलो इतना। तो बस अभी इनके नाखून कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी झाड़ू लगानी है, तो मैं सबसे पहले मैं नाखून कट कर लेती हूँ और फिर ये नहाने जा रहे हैं, इसलिए इनके नाखून वाखून काट देते हैं। अब पी के नाखून काट दे फिर नहा देना। इससे कौन काटेगा? बच्चे नहा लिए, तैयार कर दिया उनको, अब मुझसे खाना बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये साफ सफाई और कर लूँ। तो बस अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ, और ये देखो ये वाला स्टूल ना हमारा नस्ता रहता है, इनाया जो है ना इसको कहीं किधर रखती है, वो कुर्सी है उसकी, लेकिन बाथरूम में से जो है ना इसको ही लाती। और अभी इस टाइम पर धूप जो है ना, अब तो बड़े खुश हो रहे थे कि मई के महीने में जो है ना बारिश हो रही है, ठंडा मौसम रह रहा है, इस टाइम पे तो लू चलती है। तो बस शुरू के दिन में तो रही बारिश और ठंडा मौसम, लेकिन अब तो जो है ना सुबह से इतनी तेज कड़ाके की धूप निकलती है और लू भी चलने लगती है। अभी 12-1 बजे के टाइम से जो है ना लू चलने लगी, गर्म हवा, बिल्कुल। दूध लेने जाती हूँ 5:30 बजे, जब भी जो है ना इतनी गर्म हवा चलती है बहुत ज्यादा। तो बस अभी तो ये कर लेते हैं फिलहाल। साफ सफाई तो हो गई है और अब मैं बनाने आई हूँ खाना। तो खाने में समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बनाऊँ, हर लेडीज की यही प्रॉब्लम रहती है रोज की क्या बनाए। तो फ्रिज में तो जो है ना कद्दू है का और लौकी भी है, लेकिन जो बना नहीं रही हूँ मैं क्योंकि मन नहीं है हरी सब्जी खाने का। तो बस ये तो उड़द की दाल है जो काफी दिन से रखी हुई है, बनाई नहीं है। मैंने कहा चलो आज यही बनाते हैं, पचमेदार इसको मिला के और दालों के साथ। तो यहाँ पे, और आज मैं सोच रही हूँ कि सब्जियाँ लेने भी चली जाऊँ क्योंकि है ना टमाटर खत्म हो गए हैं। अभी मैं सोच रही थी काली वाली दाल बनाऊँ, जो उड़द की खड़ी मसूर की दाल होती है ना वो वाली दाल बनाऊँ, लेकिन केरी तो है लेकिन इनको जो है ना पसंद नहीं आई थी। इससे पहले जब मैंने खड़ी मसूर की दाल जो केरी और पोदरे डालकर बनाई थी, इनको पसंद नहीं है, वो खा तो ली थी लेकिन बोले थे अब नहीं बनाना ये वाली दाल, तो इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। केरी तो रखी है, पुदीना भी है, मैंने सुखा कर रख लिया था क्योंकि हरा रखती हूँ ना तो थोड़े दिन तो सही रखा रहता है लेकिन फिर जो है ना खराब होने लगता है। इस बार मैंने लाई थी तो मैंने तोड़कर जो है ना उसको सुखा लिया, तो ऐसे क्या सही रहता है, तो बस इसलिए जो है ना उसको नहीं बना सकती क्योंकि तड़का लगाने के लिए टमाटर नहीं है, और ये वाली दाल जो है ना इसमें टमाटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं ये बनाऊंगी। तो देखूंगी अगर शाम को जा पाऊंगी तो मंडी जाएंगे और सब्जियां लेकर आएंगे। तो इसमें मैं सिर्फ मसूर और तुअर और मूंग ये दालें मिलाकर बनाऊंगी, अच्छी लगती है ये भी। तो वैसे यहाँ पे ये दालें मिलानी है, और बेटू का था कि बेटू कह रही थी मुझे इडली सांभर खाना है, तो मैं सोच भी रही थी कि सांभर बना दूं लेकिन फिर मैं इडली ऐसे बनाऊंगी क्योंकि दही नहीं है, सूजी है, दही नहीं है, और इतनी धूप में मैं इनसे बोल नहीं सकती कि तुम दही लिया। तो मैं शाम को अगर मंडी जाती हूँ दही भी ला कर रखूँ क्योंकि वो कल से कह रही है, और मैंने कढ़ी बना ली थी तो उसमें दही सारा डाल दिया, तो
क्या बोलते हैं, जामुन के लिए नहीं बचाया कि मतलब दही और में जमा सब दूध रखा है वो नहीं पूरा, लेकिन बस ये उसको जमाने के लिए दही नहीं। जैसे और तरीके से भी दही जम जाता है लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दही से दही जमाना अच्छा लगता। ये भी आ रही हूँ लेके। तो बस अभी टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और बस अभी जस्ट मैं नमाज पढ़ के और पारा पढ़ के फारिग हुई, तो बगल वाली जो आंटी थी वो आई हुई थी तो उनको कोई काम था, तो बस अभी मैं वहीं जाऊंगी। और बस मैंने सच अपना वीडियो को जो है ना मैं एंड कर देती हूँ, और लेकिन एंड करने से पहले ना उन लोगों को मैं जवाब दूंगी जो मतलब जब भी मैं किसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो पता नहीं क्यों उनको परेशानी हो जाती है मेरे वीडियो बनाने से, कि बस आ गई व्यू बनाने के लिए, आ गई पैसा कमाने के लिए। क्या परेशानी है तुम्हें मुझसे ये बताओ? मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर किसी यूट्यूबर के यहाँ पर कोई परेशानी हो या फिर कोई खुशी आई हो, अगर उसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँ तो क्या अलग हो जाता है? सारे यूट्यूबर एक दूसरे के ऊपर वीडियो बनाते हैं, अगर उनके यहाँ खुशियाँ आई हैं तो उनकी खुशियों को शेयर करते हैं कि उनके यहाँ पर ऐसा हुआ है, या उन किसी के यहाँ परेशानी कुछ आए तो उनके लिए दुआ करते हैं, परेशानी के बारे में बताते हैं। तो ये सभी यूट्यूबर करते हैं, मैं कोई अनोखी थोड़ी ना हूँ। तो मुझसे मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मुझसे ही परेशानी है कि ये ना बनाए, ये कुछ ना करे, ऐसा क्यों? हो कौन तुम मेरी? तो तुम ऐसा मतलब मुझसे इतनी जलती हो, इतनी कुड़ती हो कि मेरे वीडियो बनाने से इतना तुम्हें बुरा लगता है कि ये ना करे। मैंने उनकी न्यूज़ देख ली और बस हम मियाँ बीवी ने ही बातें करनी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये ना होना चाहिए था ये से, तो ये चीजें हम लोग बातें कर रहे थे। और फिर जो है ना काफी सारे कमेंट थे तो मैं कितने लोगों को रिप्लाई करती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के दे देती हूँ जिससे एक साथ सभी को पता चल जाएगा। और उससे पहले हजारों लाखों लोगों ने वो वीडियो बना चुके हैं, सभी ने शेयर कर दिया और लोग बाग तो दो दो तीन तीन दिन से वीडियो बना रहे थे। मैंने सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो बनाकर डाली और उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, और ये प्रॉब्लम इस बार नहीं हमेशा होती है। वैसे मैं ज्यादा किसी के ऊपर वीडियो बनाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ही अपनी लाइफ स्टाइल ही दिखाती हूँ, अपने घर में जो भी करती हूँ अपने अपनी ही वीडियो बनाती हूँ, मैं किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन कभी अगर मैं बाई चांस बना दूँ, जैसे कि मैंने अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मुझे टॉन्ट कसा था कि तुम कर लो दूसरी शादी, तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी होगी जब पता। क्या परेशानी है मतलब मैं नहीं बना सकती क्या? मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ तो इतना मुझे हक है कि इतना मेरा फर्ज भी है और हक भी है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है ना? तो तुम्हें इतना चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। अगर तुम्हें अच्छा बोलना नहीं आता तो किसी से बुरा मत बोलो, मेरे कमेंट बॉक्स में आके जो तुम फैलाती हो ना गंद वो मत फैलाओ, ठीक है ना? वैसे मेरे सारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं और सभी की इच्छा थी कि मैं बताऊं, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि मैं सीपरी से हूँ। हाँ वो बात अलग है, मैं सीपरी से इधर आ गई हूँ, रहने आ गई, लेकिन उन सभी को ये पता है कि मैं सीपरी से हूँ तो मुझे कुछ खबर होगी। होता है ना कि इंसान अगर किसी जगह का होता है तो उसको खबर होती है, तो उसी हिसाब से सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। पहली बात मैंने क्लियर ही कर दी थी कि मैं सीपरी में नहीं रहती हूँ, मुरैना में रहती हूँ, मैं उनके टच में नहीं हूँ, मेरा कोई इनसे कांटेक्ट नहीं है। बस जैसे मेरी वीडियो आप लोग देखते हो वैसे ही मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, पसंद करती हूँ उनकी फैमिली को, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो मुझे बुरा लगा। तो मैं ये नहीं था कि मैं तुरंत वीडियो बनाने बैठ गई, काफ़ी सारे कॉमेंट आए उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि चलो
सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। बल्कि मेरी वीडियो तो जा चुकी थी, अगर मैं पहले से अगर मेरा प्लान होता तो मैं अपनी जो वीडियो मेरी गई थी उसमें ही बोलती, ठीक है ना। मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरी वीडियो को सिर्फ 1 या 2 घंटे हुए थे, उसके बाद ही मैंने तुरंत वीडियो शेयर की थी क्योंकि मैंने उसके बाद ही वीडियो बनाई थी। तो मेरी कोई प्लान नहीं थी कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना, अगर मुझे पहले से पता होती तो अपनी जो मेरी वीडियो हुई थी उसमें बताती मैं। ये मैं अपने अपनी वीडियो डाली थी उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। तो बस मैं उनसे मोहतरमा से यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो मेरी वीडियो ना देखें, ठीक है। अगर तुम्हें किसी को खुश देखना नहीं आता तो तुम अपने आप में खुश रहो, किसी को देख के दुखी मत हो, ठीक है। तो मैंने जो है ना जो किया था वो सही किया था, कोई गलत काम नहीं किया था, और मैं वीडियो बनाती हूँ तो इतना मेरा हक बनता है, फर्ज भी बनता है कि किसी के बारे में अगर कुछ हुआ है तो मैं बताऊं। तो बस यही मैं कहना चाहती थी। तो बस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रख